ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। यह आगरा है, यहाँ की सरजमीन, यहाँ का जर्रा जर्रा गुजरने वाले को आवाज देता है कि संभल। अगर मोहब्बत के कूचे में दाखिल हुआ है तो मोहब्बत की इस हसीन यादगार पर नजर डाल और सुन कि आज तक ये खामोश मोहब्बत की जबान क्या कह रही है। कह रही है कि हमको गोरे गरीबा न समझ, हम कूचे कातिल का एक पाक टुकड़ा है। हमारा अदब कर, अहले दिल को चाहिए गोरे गरीबा का अदब। ये भी एक टुकड़ा जमीने कूचे कातिल का है। आगरे के तारीखी महल्ले में 400 साल पहले वो ईरानी जादूगर आकर ठहरा था जिसने हसीन ताजमहल बनाया और मोहब्बत की इस रंगीन दास्तान की बुनियाद डाली। यही वो मकान है जिसमें उसने इस जन्नत का ख्वाब देखा। आज तक इस मकान में रहने वाले और पैदा होने वाले मोहब्बत की नई तारीख जरूर बनाते हैं। मुद्दत के बाद ये शायर इनकलाब जनाब एजाज पैदा हुए जो रिसाला इनकलाब के एडिटर हैं। हर अच्छी चीज को पुरानी और तकियानूसी कहते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, जो आजकल के नौजवानों का फैशन बन चुका है। बताइए, आज हजारी रोजे का दिन है। इस रोजे के मुतालिक कहा जाता है कि इस एक रोजे का सवाब 1000 रोजों के सवाब के बराबर है। घर भर ने हजारी रोजा रखा है और ये बंदे खुदा सुबह सुबह हलवा पूरी चुरा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। कौन है? ओ कौसर, थोड़ा हलवा। तोबा तोबा भैयान, रात को रोजे की नियत की, सबके साथ सहरी खाई और अब सुबह सुबह हलवा पूरी खा रहे हैं आप। ये हजारी रोजा है, एक नहीं हजार रोजों को तोड़ रहे हैं आप। कौसर, ये रोजे तो अरब के उन शेरों के लिए बनाए गए थे जो हर हफ्ते शेरों खून अपने जिस्म से निकलवाया करते। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आएगी, आजकल किसी के जिस्म में खून हो तो शर्म करे। अल्लाह आपसे समझेगा भाईजान। होगा तो समझेगा, ये तो खाली हमारा तखय्युल है। और कौसर, तेरे सर की कसम, इसी अल्लाह के फेर ने हमें आज तक तरक्की नहीं करने दी। अच्छा, दुनिया चांद सितारों तक पहुंच रही है और हम वही पुरानी मस्जिद की ईंटें गिना करते हैं। तो हजारों बरस से हम लोग खाना भी खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, वो क्यों नहीं छोड़ देते आप?
तू नहीं सुधरेगी कौसर। नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगी, लेकिन जिस दिन आपको कोई खूबसूरत सी सुधारने वाली मिल गई ना, जरूर सुधर जाएंगे आप। अब्बा जान, ये कौसर हलवा पूरी। एजाज, फरमाइए अब्बा जान। ये सुबह सुबह कहाँ चले? जी जरा रोजा बहलाने जा रहा हूँ, आज रोजा है ना। आदम, कितनी बार आपसे अर्ज कर चुकी हूँ कि लड़का जवान हो चुका है, क्यों बात बात पर टोकते हैं उसे? सुबह हुई और आप शुरू हो गई। गुस्सा आ गया? मेरी तौबा। आपकी तौबा तो बिल्ली की तौबा है, दिन में 100 बार होती है। कुछ अल्लाह की राह पे बाबा, नौ चंदी जुमे रात, हजारी रोजे का दिन। माफ करो बाबा, 5 पैसे अल्लाह के नाम के नहीं है। 5 पैसे नहीं है तो 2 रोटियां ही भेज दो बाबा। रोटियां भी नहीं है? रोटियां नहीं है तो आटा भेज दो। अरे बाबा, कह दिया कुछ भी नहीं है, माफ करो। कुछ नहीं है तो अंदर बैठे क्या कर रहे हो? आओ दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। खैर तो लफंगे। देखिए वो चील उड़ रही है। जी मुलाजा फरमाइए। अब आप देखते रहिए इसे और मैं आपकी तरह देखकर उस पर फायर करता हूं। ये तो सुबह सुबह बब्बा जानी ने मुझे को सलामी दे दी, जा रहा था मैं सलाम करने। देखा आपने? दुरुस्त है नवाब साहब, निशाना था नहीं। हाय हाय हाय। कबीला नवाब साहब, आपके घर का सालाना मुशायरा भी शेर के शिकार से कम नहीं होता। शुक्रिया शुक्रिया। मित्रा तरह गोया बंदूक से निकली हुई एक गोली है जिसकी आवाज पर गजल कहना कोई आसान बात नहीं। क्या बात कही है बाबूजी? तो बाबूजी साहब, वो आपने मुशायरे के दावतनामे सब शोरा को पहुंचा दिए? जी हाँ, सिर्फ शायर इनकलाब रह गए हैं, उनके मुतालिक आपसे मशवरा करना जरूरी था। देखिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये मेरा यकीन ही नहीं बल्कि मेरा ईमान है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो अच्छी गजल कह नहीं सकता। मगर नवाब साहब, हमारा अदबी फर्ज है कि हम दावत जरूर दें। आपकी मर्जी, लेकिन हम कह देते हैं कि आपके इस शायर इनकलाब को तरह में गजल पढ़ना होगी। बिल्कुल जरूर। खैर तो आप जहमत न फरमाइए, वो डॉक्टर महमूद से कह दीजिए वो पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया। ये दवाएं मेरे दवाखाने में नहीं मिलेंगी आपको। फिर कहाँ मिलेगी डॉक्टर साहब? कुछ तो फल वाले की दुकान पर और कुछ गोश्त वाले की दुकान पर। है? आप समझे नहीं, नुस्खा ये है कि सुबह सुबह 2 मौसम्बियों का रस, 11 बजे गोश्त का शोरबा और 1 बजे खालिस घी की तरकारियाँ, समझे? लेकिन डॉक्टर साहब ये सब मैं कहाँ से लाऊं? घबराइए नहीं, ये लीजिए, फीस पेश कर रहा हूँ, घर जाकर इसका इंतजाम कर लीजिएगा। परवरदिगार आपकी उम्र दराज करे। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब तकलीफ नहीं, हुक्म है। बाबूजी, आप शायर इनकलाब एजाज साहब को अपने सालाना मुशायरे का दावतनामा दे आइए। आखिर आपने बब्बा जाने को मनवा ही लिया। जनाब एजाज साहब, अदब का ये तकाजा था कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, उम्मीद है आप हमारे मुशायरे में जरूर तशरीफ लाएंगे। जरूर, लेकिन मेरी शायरी रदीफ और काफी की मोहताज नहीं होगी, मैं नज्म पढ़ूंगा और आजाद नज्म। हुजूर, इस मुशायरे के कुछ उसूल हैं जो हमारे बुजुर्गों के कायम किए हुए हैं, उन उसूलों की बिना पर नज्म हो या गजल तरह में पढ़ना होगी। हमारे इस इनकलाबी पर्चे के भी कुछ उसूल हैं डॉक्टर साहब, हम गजल की हमेशा मुखालफत करेंगे। हमारे पर्चे में गजल कभी शाया नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि गजल से मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचा। परसों से गजल में एक ही सुर बज रहा है साहब, मालूम होता है रमजान में सहरी के वक्त फकीर एक ही सुर में भीख मांग रहे हैं।
इसका यह मतलब है कि सैकड़ों बरस के खाने पीने के उसूल भी बदल दीजिए। मेरा मतलब है खाना बजाय मुंह के नाक से खाइए, आंखों से पानी पीजिए और गाजर का हलवा अपने सर से चखिए। माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके मुशायरे में शरीक नहीं हो सकता। क्या अर्ज किया जाए एजाज साहब, अफसोस जरूर होगा कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल हम और आप दोनों ही अपने अपने मकाम पर जमे हुए हैं। बकौल नाचीज, हुस्न और इश्क जब हुए यकजा, दोनों को इख्तलाज ने मारा। डॉक्टर साहब, ये अदबी इख्तलाज आपको मुबारक। सिगरेट नोश फरमाइए। शुक्रिया, मेरा रोजा है। लेकिन हुजूर 555 की सिगरेट पीते हैं, जबकि हमारे मुल्क में लोग बीड़ी के लिए तरसते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ हाँ, आगे ना बढ़िएगा, खालिस इस्लामी सलाम है। खुदा आप सबको राह रास्त पे लाए। नगमा शेर की
कल नवाब साहब के यहाँ मुशायरे में आप आ रही हैं ना, हम सब आएंगे। आदाब, माफ कीजिएगा, आप में से वो कौन है जो अभी अभी गा रही थी? सुनिए तो, आपको इंतजार की जहमत थी, मुझे क्या मालूम था कि हम बियाबा में हैं और घर में बाहर आई है। हुजूर, घर में नहीं, दफ्तर में। हम सब इंक्लाब के लिए नज़्में लाए हैं। हम आपकी नज़्में जरूर शाया करेंगे। आपका तखल्लुस? परवीन, नज़बीन, हसीन, नाज़रीन और नाचीस को नसीन कहते हैं। एक इल्तजा है, अगर आपको इतराज ना हो। फरमाइए। अगर आप अपनी अपनी नज्म का एक एक मिसरा तरन्नुम में पढ़ दें तो बड़ी इनायत होगी। जी? क्या ये भी नज्म छुपाने की शर्त है? जी नहीं, मैं एक आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा था। कौन सी आवाज? जो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। अपना इलाज करवाइए, मालूम होता पागल हो रहे। सच फरमाती हैं आप। किसे पेश करूं? एजाज साहब, इस मुशायरे की तरह का मिसरा भी तो वही है जो उस जाने गजल की गजल का है। क्यों नहीं आप यही गजल उस मुशायरे में पढ़ देते? कसम खुदा की तड़प उठेगी। खट्टे अंगूर के बागात किसे पेश करूं? खट्टे अंगूर के बागात किसे पेश करूं? खट्टे अंगूर के बागात किसे पेश करूं? उनकी अम्मा के इनायत किसे पेश करूं? दूसरा शेर मुलाहजा हो। दिल की कहता हूं तो कहते हो बुरी बात है। दिल की कहता हूं तो कहते हो बुरी बात है। तुम ही बोलो ये बुरी बात किसे पेश करूं? मक्ता मुलाहजा हो। डॉक्टर सबका हूं मैं, डॉक्टर सबका हूं मैं और तुम्हारा हूं मरीज। डॉक्टर सबका हूं मैं और तुम्हारा हूं मरीज।
नब्ज दिखलाने को, नब्ज दिखलाने को फिर हाथ किसे दे। हजरात, मैं एक बार फिर अर्ज कर देता हूं कि ये तरी मुशायरा है। कोई साहब गैर तरी कलाम पढ़ने की जहमत गवारा न फरमाए। अभी आप डॉक्टर साहब का कलाम कहकहाजार सुन रहे थे, अब मैं शायर इनकलाब एजाज साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपना कलाम सुनाए। मुझे उम्मीद है कि वो आदाब मुशायरे का ख्याल रखेंगे। शायर इनकलाब और गजल? गजल तो क्या पढ़ेंगे, ऐसी कुछ तो बंदी की होगी। देखें क्या आए बाएं शाएं बकते हैं। हाँ देखें। हजरात, परसों रात को जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, मैं जमुना किनारे गुनगुनाता चला जा रहा था। फिजा से शायरी और मूसीकी बरस रही थी। यक बयक ये मतलब मेरे दिमाग में आया, समझ में नहीं आता किसने मुझे पेश किया है। अब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाजा हो। नगमा ओ शेर की सौगात किसे पेश करूं, नगमा ओ शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए जज्बात किसे पेश करूं। अल्लाह, ये तो आपकी गजल का मतलब मालूम है। बिल्कुल आप ही सा है। हाँ सुनिए, मुझे तो ये वही मर्दबा मालूम होता है जो उस रोज आपका पता पूछ रहा था। एजाज साहब, लोग आपको तरन्नुम में सुनना चाहते हैं। चोटा कहेगा की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल, ऐ मेरी जाने गजल, ऐ
अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, दिल की धड़कन के कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। देखो ये शेर भी मेरी गजल का है। कमबख्त ने चोरी ही गजल पढ़ के मुशायरा लूट लिया। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे चोर शायर को कम से कम 10 वर्ष की सजा और कैद बामशक्कत। जरा बुलवाना तुम हजरत को। तस्लीम करता हूँ, शायद आप लोगों ने मुझे ऑटोग्राफ से बुलाया है। जी हाँ। लाइए अपनी अपनी ऑटोग्राफ बुक्स पेश कीजिए। लेकिन नाम के साथ साथ चोटता जरूर लिखिएगा और उठाए गिरे का लफ्ज भी और बदमाश भी। शर्म नहीं आती चोरी की गजल पढ़ के मुशायरा लूट लिया? ये क्या फरमा रही हैं आप? ये गजल मेरी है और मैंने कही है। सोते में या जागते में? समझ में नहीं आता, सो रहा था या जाग रहा था, लेकिन ये गजल है मेरी। झूठ, बिल्कुल झूठ। जरा सूरत तो देखूं, हिम्मत हो तो मेरे सामने आए। ये गजल मेरी है और मैंने कही है। जी नहीं, मेरी है ये गजल, मेरी है। गजल ईरानी, चेहरा नूरानी, आवाज रोहन। खुदा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। गोतूर ही से बात हुई, बात हो गई, बात हो गई। उनसे हमारा कोई ताल्लुक तो बन गया, तो बन गया। बिगड़े भी वो अगर तो बड़ी बात हो गई,
बड़ी बात हो गई, दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। धड़कन बढ़ी तो सांस की खुशबू बिखर गई, धड़कन बढ़ी तो सांस की खुशबू बिखर गई, आंचल उड़ा तो रंग की बरसात हो गई, बरसात हो गई, दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। जी चाहता है मान ही ले अब खुदा को हम, जी चाहता है मान ही ले अब खुदा को हम, जिसका यकीन था वो करामात हो गई, करामात हो गई, दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, गो दूर ही से बात हुई, बात हो गई, बात हो गई। वाह वाह, कल दो शायरों ने मिलजुल कर मुशायरा ढूंढ लिया, एजाज ने और नाचीज ने। डॉक्टर भैया, ये शेर किसके लिए था? खट्टे अंगूर के बागात किसे पेश करूं, उनकी अम्मा की नायात किसे पेश करूं? ये बताओ कि शेर कैसा था। अजी ऐसे शेर तो दिन में 50 कह सकती हूँ, ये भी कोई शायरी है? बागात किसे पेश करूं, जेल हवालात किसे पेश करूं? और एजाज की कयामत की गजल को भी कह दो कि वो भी कुछ नहीं थी। हाँ वो भी चोरी की थी। अच्छा, और ये भी कह दो कि तुमने वो गजल कही थी और उसने चुरा ली। क्यों, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, नहीं। मेरा ख्याल है दो तीन दिन के अंदर अंदर उसकी नजर किसी से लड़ गई है या लड़ाई गई है और समझ बूझ कर चोट खाई गई। भैया ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? मोहब्बत और शायरी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है, बगैर मोहब्बत के शायरी नहीं आ सकती और बगैर शायरी के मोहब्बत नहीं हो सकती। वेरी सिंपल लॉजिक। नाराज हो गई? ये गजल हमारे पर्चे में शाये होगी, आप किताबत कीजिए। गजल और हमारे पर्चे में? जो मैं कहता हूं वो कीजिए। जी अच्छा, शुक्रिया। उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। ये क्या, एजाज ने आपके गजल रिसाले में छाप दी? देखो तो नफरत गजल या गजल ही नहीं छापी, आपके चांद से मुखड़े की तारीफ भी लिख दी है। ये देखिए मुंडी काटा लिखता है उनकी गजल, गजल ईरानी, चेहरा नूरानी और आवाज रूहानी है। बड़े नवाब साहब को पता चल गया तो अल्लाह कसम उस निगोड़े ला मजहब को गोली ही मार देंगे। हाय अल्लाह, गोली? ये हजरत यूं नहीं मानेंगे, इन्हें तो ऐसा मजा चखाना चाहिए कि खुदा याद आ जाए। तुम नजर अब्बा हुजूर का ख्याल रखना, मैं फोन करती हूँ। ये दूसरा तीर भी निशाने पर जरूर बैठेगा, फूल से गाल गुस्से से जरूर दमक उठेंगे, टेलीफोन जरूर आएगा और मैं दुआ दूंगा, महकें तेरे गालों के गुलाब और ज्यादा,
اللہ کرے زور شباب اور زیادہ۔ ہلو، انقلاب آفس، کون؟ اعجاز صاحب بول رہے ہیں۔ غزل ایرانی، چہرہ نورانی، آواز روحانی۔ اپنی تو کہیے، غزل پرانی، چہرہ شیطانی، آواز زعفرانی۔ آج غصہ معلوم نہیں ہوتا، اتر گیا ہے۔ شاد رہے تڑپانے والا، دل کا حال بتانے والا۔ ہونٹ دبائے غرق عرق ہے، چھیڑ کے خود شرمانے والا۔ حکم تو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت آپ کس عالم میں ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، اس وقت کا عالم کیا کہیے۔ میں ایک بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ابھی ابھی نہا کر اٹھی ہیں۔ ہوا سے زلفیں پریشان ہو کر چاند ایسے چہرے سے گستاخیاں کر رہی ہیں۔ کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی رات۔ وہ زلف جو برہم ہوتی ہے، اللہ رے کاوے شانے کی، ایک رات ادھر ہو جاتی ہے، ایک رات ادھر ہو جاتی ہے، ایک رات ادھر ہو جاتی ہے۔ اس جذبے محبت کے قربان، جو کچھ بھی گزرتی ہے دل پر، ان کو بھی خبر ہو جاتی ہے، مجھ کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے خاموش نہ ہو جائیے گا، کہیں چلتے ہوئے زمانے کی رفتار نہ رک جائے۔ زیادہ نہ بنائیے باتیں، یہ بتائیے کیسے گزرتی ہیں غم کی راتیں؟ ہر رات یہ کہتی ہوئی آتی ہے، شب غم آ گئی، چلنے کا پھر پیغام آتا ہے، لباس آتشی پہنے چراغ شام آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ آج راتوں کا تو ہوش نہیں، پچھلی رات تارے گن گن کر کاٹی۔ کتنے تارے ٹوٹے، کتنے نہیں ٹوٹے۔ اور ان ٹوٹتے ہوئے تاروں کی آواز میں میں نے دل کی آواز سن لی، جیسے آہستہ آہستہ آپ سے کہہ رہا ہو۔ ہچکیاں آ رہی ہیں تاروں کو، چاند بدلی میں چھپ کے روتا ہے، میرے پہلو میں کیوں خدا جانے میٹھا میٹھا سا درد ہوتا ہے۔ ہائے اللہ، ابھی سے میٹھا میٹھا درد بھی ہونے لگا۔ خیر، اس درد کا علاج بتائے دیتے ہیں، کسی سے کہیے گا نہیں۔ فراق زہر ہے، دیدار چاہیے دوست، دوا بتاتے ہیں تم کو جو دو جہاں میں نہیں۔ آج رات کو 8 بجے جمنا کنارے کالے برقعے میں ایک لڑکی ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، مل جائیے گا۔ سر کے بھلا ہوں گا، کرم فرمائے کا شکریہ۔ شبن کی اماں جی، آج رات کو 8 بجے شبن کے ابا کو کالے برقعے میں تیار رکھیے گا، ہاتھ میں گلاب کا پھول۔ کیا بات ہے، کسی کا خون کر کے آئے ہو؟ بیٹھو۔ ارے بھائی کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا۔ اعجاز صاحب، کیا یہی انقلابی پرچے کی شان ہے کہ اس میں بابا آدم کے زمانے کی غزل چھائے ہو؟ جو کہ ہمارے پرچے کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔
تم تو غزل کہنے والوں سے انتقام لینے والے تھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ماسکین میں صاف پال رہے ہیں شاعر انقلاب اور غزل جواب دو کہ یہ غزل کس سلسلے میں شائع کی گئی محبت تو گویا انقلابی شاعر اعجاز نے عاشقی کا پیشہ اختیار کر لیا مجنون بن گئے ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا اب ایڈیٹری چھوڑ کر مجنو کی طرح در بدر پھرو اور اپنی لیلا کو تلاش کرو ارادہ بھی یہی ہے تو ابھی ریزائن کر دو استعفا دے دو میں بولوں گا کیسے زبان کھولی اور دھرا گیا کہ کوئی مردوا بول رہا ہے اوفو شبن کے ابا آپ برکے میں خاموش کھڑے رہیے گا نا ان کے سوالوں کا جواب تو میں دوں گی اچھا تو گویا میں گراموفون باجا ہوں اور آپ وہ سوئی ہیں جو ریکارڈ پر گھومے گی سمجھ کے بیچ میں شبن بھی ابا ارے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے یہ تو وہی منہ معلوم ہوتا ہے کس شان سے تشریف لا رہے ہیں ارے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ بھی ہے معلوم ہوتا ہے جگت پیا واجد علی شاہ تشریف لا رہے ہیں سبن کے بعد یا پھول قیامت کی ادا ہے کیا ہنسی انداز ہے نور کا چہرہ بنا ہے نور کی آواز ہے تیرا پردے سے نکل آنا بھی ایک اعجاز ہے یہ تڑپتی بجلیاں بھی اب تلک پردے میں تھیں یہ ادائیں بھی ہماری سب کی سب سجدے میں تھیں تیرا پردے سے نکلوانا بھی ایک اعجاز ہے خدا کے لیے خاموش نہ ہو جائیے کہیں چلتے ہوئے زمانے کی رفتار نہ رک جائے دیکھیں نا آپ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں پھول پیش کرنے بھی بھول گیا شکریہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنے کی جرات کروں اجازت ہے اس چاند سے چہرے سے نقاب اٹھا دیجیے ڈرتی ہوں کہیں آپ میری صورت دیکھ کر بھاگ نہ جائیں وہ صورت جس نے نہ جانے کتنی راتوں کی نیندیں چھین لی جی ہاں وہی صورت اگر اب آپ دیکھیں گے تو ساری زندگی سو نہیں سکیں گے حضور میں اپنی ساری زندگی آپ کی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں جاگ کے گزار سکتا ہوں آپ چہرے سے نقاب تو ہٹائیے رخ روشن سے اٹھتی ہے نقاب آہستہ آہستہ دعائیں ہو رہی ہیں مستجاب آہستہ آہستہ اللہ سورج دیکھنے سے قبل میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں فرمائیے آپ کو اس محبت کا ثبوت دینا پڑے گا جان حاضر ہے آپ کو میرے لیے ویسا ہی تاج محل بنوانا پڑے گا جیسا شاہجہاں نے ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا میری نظر میں آپ کا ہر نقش قدم تاج سے کہیں زیادہ حسین ہے میرے محبوب میں ایک نظم پڑھتا ہوں اگر میری محبت سچی ہے تو آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو جائیں گی اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ کشش کس میں زیادہ ہے میری محبت میں یا اس حسین تاج میں میں سمجھ رہا تھا کہ میری محبت سچی ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ ہماری غربت اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑائیں گی آپ کی قسم آپ کو بھول سکتا ہوں مگر آپ کی آواز ہمیشہ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہے گی
लीजिए कहीं मात ना हो जाए। अब मैं वो चाल चलती हूँ जो नूरजहां ने पर्दे के पीछे से जहांगीर को बताई थी और वो हारी हुई बाजी जीत गए थे। जहांगीर के जमाने में हम होते तो बताते, नूरजहां समेत बाजी जीत कर ना दिखा देते तो अख्तर नवाब ना कहलाते। तस्लीम अर्ज करती हूँ अख्तर भैया। जीती रहो, सलामत रहो, जान जैसा दूल्हा रहे। अल्लाह ये एक शतरंज की बाजी हो जाए। अब तुम क्या खेलोगी मुझसे? वलायत में 12 खिलाड़ियों के साथ आंखों पे पट्टी बांध के खेल चुका हूँ। अल्लाह, एक ही वक्त में? जी, और एक ही वक्त में सबको हरा चुका। मेरा ख्याल है वो 12 के 12 खिलाड़ी पैदाइशी अंधे होंगे। आज कैसे तकलीफ फरमाई अख्तर भैया? बस घबरा के आ गया हूँ। 2-4 दिन में रमजान साहब तशरीफ ला रहे हैं, फिर महीना भर रोजे रखने पड़ेंगे। इसलिए क्या राय है रमजान से पहले मेरे घर एक अदद कवाली हो जाए तो? इरादा तो एक है, लेकिन अख्तर भैया क्यों ना कवाली की बजाय किसी बड़े शायर को बुलाकर सुना जाए? जिसको हुक्म फरमाओ बुला लो, जन्नत से गालिब को, मोमिन को, इकबाल को बुला लो। इनके रूहें तो आएंगी नहीं, और इन मुर्दा शायरों को सुनने इतनी जल्दी वहां कौन जाए? क्यों ना जिंदा शायर, शायर इंकलाब एजाज को बुला लिया जाए? वल्ला मेरे दिल की बात कह दी तुमने, कल रात को तय हुआ। चाचा जान से भी ज्यादा लिए लेता हूँ। शुक्रिया, अब खेलिए ना शतरंज। हाँ चलो, कभी ना कभी तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा, आज ही क्यों ना सिखा दे। लो हजरात, गरीब और अमीर का सवाल इस दुनिया में बहुत पुराना है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसका जात पात, अमारत और गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी जज्बे से मुतासर होकर मैंने एक गुमनाम और रईस हसीना की खातिर एक नज्म लिखी थी, जिसे मैं आज अख्तर नवाब साहब की खिदमत में पेश करूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। शौक फरमाइए। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब। ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल, ये चमनजार
ये जमुना का किनारा ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक मेरी महबूब मेरी महबूब मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे मेरी महबूब क्लब ऑफिस एजाज साहब तशरीफ रखते हैं जी नहीं मैं बोल रहा हूँ मसीहा मसीहा ओहो एजाज साहब कब तशरीफ लाएंगे जी वो अब यहाँ कभी तशरीफ नहीं लाएंगे वो यहाँ से निकाल दिए गए निकाल दिए गए क्यों वो एडिटरी छोड़कर आशिकी करने लगे थे अब वो कहाँ मिलेंगे किसी जंगल में अपनी लैला की तलाश में ये शेर पढ़ते हुए मिलेंगे इधर लंगोटी जली कैस की उधर महमिल और कहां की बत्ती ने रोशन किए कहा क्या हुआ आखिर बताइए तो सही क्या मरीजे चलवा था निकाल दिए गए अच्छा हुआ निकाल दिया गया ये चोर किस जुर्म में निकाल दिए गए और क्या जुर्म होगा दफा 403 मोहब्बत का जुर्म भले ही इंकलाबी शायर आशिक होंगे आवाज पर और छापेंगे चोरी की इश्कियां गजले चुप रहो ये कोई जुर्म नहीं है हाय अल्लाह ये इनको क्या हो गया कहीं गुस्से की जगह प्यार ने तो नहीं ले ली बहकी बहकी चालती ही बता रही है पांव रखते हैं कहीं और कहीं पड़ता है सबकी है इनको खबर अपनी खबर कुछ भी नहीं खुदा के लिए खामोश ना हो जाइएगा कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार ना रुक जाए ये फिक्रा ना जाने क्यों मेरे कानों में अब तक गूंज रहा है अल्लाह ने हुस्न पैदा किया मगर हुस्न उस वक्त तक हुस्न ना बन सका जब तक कुछ मोहब्बत के मारे पैदा ना हुए न ये शाम होगी न तारे रहेंगे मगर कुछ मोहब्बत के मारे रहेंगे मैं एजाज बोल रहा हूँ आप अल्लाह अगर मैं इस वक्त कोई बड़े से बड़े जो मांगते मिल जाता सोची थी कि आपके दफ्तर टेलीफोन करूं और आपसे अपनी बदतमीजी की माफी मांगूं मगर सुना कि आप दफ्तर से अलग कर दिए गए मेरे लिए आपको कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी आप चुप क्यों हैं सुनिए एक ताजा शेर सुनाती हूँ याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूं मैं भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूं मैं आवाज की ना सही शेर की तारीफ तो कीजिए क्या बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे कुछ तो बोलिए डरती हूँ कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार ना रुक जाए मैं एजाज बोल रहा हूँ याद में तेरी जहाँ को भूलता जाता हूँ मैं भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं डर है कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए हैला क्या हो गया आपको क्या हो गया आपको कुछ नहीं
कुछ नहीं, ना पूछो हम कहाँ हैं, दिल कहाँ है, बहुत अच्छे हैं दोनों जो जहाँ हैं। कफस में मुझसे रुदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। दस भाई जान, आज ये बिजली का गिरना बंद, हुक्म है कि आज से आपको शहरी के लिए उठना होगा, रमजान आ गया है। हैं? ये रमजान फिर आ गया? ये फिर वो कहा आपने भाई जान, वो तो हजारी रोजा था, रमजान तो अब आया है कल से। ठीक है, दिल जलाने के लिए बस रमजान की कमी थी, वो भी आ गया। भाई जान, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि घर में कुछ अजीब भूसी आती है, जैसे किसी का दिल चल रहा हो। ओ खुदा के लिए तू यहाँ से चली जा। खुदा, खुदा को तो आप मानते ही नहीं। अब जरा जरा मानने लगा हूँ। मानने लगे? इंकलाब की ताजा खबर। खुदा ना ये जमीन पैदा करता ना ये आसमान, बस अपनी खुदाई में एक ऐसी आवाज पैदा कर देता जिसके तरन्नुम में मैंने अल्लाह अकबर की आवाज सुन ली। अल्लाह अकबर। लेकिन भाई राम, सुना है कि जिसकी आवाज अच्छी होती है उसकी सूरत काली होती है। कौसर, तू उसे देख ले तो चीख उठे। ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है कि नाम ले के निकलता है आफताब तेरा। अच्छा, ये बात है? हाँ। तो एक मेरा कहा मानिए भाई, काम अगर ना हो जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी। बक जल्दी। देखिए, आज शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखिए और पूरे 30 रोजे रखिए। 30 रोजे? अगर कच्चे धागे से बंधी चली ना आई तो कौसर नाम ले। और अगर इस कच्चे धागे ने ईद तक काम ना दिखाया तो? तो कान। मंजूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाईजान ईद मुबारक। ईद मुबारक भाईजान। काय की ईद? ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बकरा ज़बह करने की तैयारी है? अल्लाह, ये ईद है, बकरी ईद नहीं। तेरा कान काटने की तैयारी कर रहा हूँ। 30 रोजे रखवाए हैं तूने, 5 वक्त नमाज पढ़वाई है तूने, फिर भी कच्चे धागे से बंधी एक बिल्ली तक नहीं आई। बड़े रोने हैं आप भाईजान। भाई डॉक्टर महमूद की अजीब आदमी है, मुझे मना कर रखा है मीठा खाने को, वरना तमन्ना साहब 20-20 प्याले खा जाया करता था। और ये देखिए बाबूजी साहब है कि 5 प्याले में हाथ खींच रहे हैं, यकीन आपको अच्छी नहीं लगी ये सवैया। बल्ला बहुत उमदा बनी है सवैया। तो फिर खाइए और खाइए और लीजिए, ये भी खत्म कीजिए साहब। आधा बजा लाता हूँ बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक। लो भाई महमूद मियाँ, अपनी ईदी लो। शुक्रिया। सलाम करो। नवाज साहब खूब याद आया, इजाजत हो तो बिटिया को भी ईदी दिया। जरूर जरूर, जाओ मैम के, जाओ लेके जाओ बाबू को। ताजमहल पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। एक ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, वो भी देसी, जिस पर दुनिया नाज करती है। हमने स्पेशल ऑर्डर दे के इंग्लिस्तान से 17 ताजमहल बनवाए, 16 दोस्तों को बांट दिए और एक ईद की खुशी में तुम्हारी नजर कर दिया। भाई अख्तर, आपकी 16 बातें झूठ समझकर काट दी गई और ये 17वीं यादगार के तौर पर रख ली गई। शर्म नहीं आती बुजुर्गों को झूठ कहते हुए? मैं तुमसे बड़ा हूँ, अब्बा जान मरहूम तुम्हारे बाप के बड़े भाई थे, उस लिहाज से भी तुमसे बड़ा हूँ। गोया आप खानदानी बड़े हैं। बेशक। यानी दही बड़े। कौन है ये जाते शरीफ? चचा मरहूम का लड़का अख्तर नवाब। बना लो बना लो, आखिर तुम्हें मेरे ही घर आना पड़ेगा ना। खुदा की कसम गिन गिन के बदले लूंगा। अल्लाह, ये गलतफहमी आपको कब से हुई? जबान से कही जाओ, दिल में गुलगुले पकड़े होंगे। आपकी कसम भाई अख्तर, आपकी सूरत देखकर गुलगुले तो क्या सबके के कड़वे तिल के फुलकियां तक नहीं सकती। बेटी नाज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए बाबूजी, आपको भला पूछने की क्या जरूरत है? बेटी, रसूल अकरम भी अपनी बेटी से इजाजत लेकर ही मकान में तशरीफ ले जाया करते थे। इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा दर्जा है। क्या बात है बाबूजी? बाबूजी अख्तर भैया। आदाब अर्ज़। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। और मेरी बेटी को भी ईद मुबारक हो। लो बेटी अपनी ईदी लो। तस्लीम अर्ज़ करती हूं। आपको भी ईद मुबारक हो।
बाबूजी, मैंने अपने हाथों से कबाब की सेवैयां पकाई हैं, जरा नाश करके जाइए। बहुत लजीज थी, मैं अभी खा चुका हूँ। देखो बेटी, इस खुशी के मौके पर एक उम्दा सा शेर सुना दो। हाँ, हाँ, सुना दो ना। बाबूजी से क्या शर्माना? ये बाबूजी से नहीं शर्मा रहे, मुझसे शर्मा रहे। अच्छा भाई, हम चले जाते हैं। अख्तर भाई, आप ही ना जाइएगा, आपको देख कर ही तो शेर मौजूद हुआ है। क्या? सुनिए बाबू जी, इरशाद। ऐसे अंग्रेज बने, ऐसे अंग्रेज बने, नाम खुदा भूल गए, केक को खा के सेवैयों का मजा भूल गए। पहला मिसरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा मिसरा यूं होना चाहिए कि शेर को सुनकर सेवैयों का मजा भूल गए। आदाब। अच्छा बेटी, जीती रहो, मैं भी चलता हूँ। खुदा। महमूद मियां, जोड़ी तो अच्छी मालूम होती है। जी हाँ, कई मरतबा चची जान भी बब्बा जानी से कह चुकी है, मगर बब्बा जानी कहते हैं कि लड़का जरा बुजदिल है। मुझे दामाद बहादुर चाहिए। बेटे कह दूं? जी जी नहीं, मेरे पसीने टूट जाएगा। शरीर कहीं का। क्यों शायर इनकलाब, टकराने का इरादा है क्या? आज ईद का दिन है, मेरा ख्याल है दोनों गाड़ियां गले मिल रही हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चाचा जान के पास ईद मिलने कैसे आ गए? अमां ये पागल है, गोली चला देंगे तो शायर इनकलाब मारा जाएगा। मैं कौन सा पागल नहीं हूँ अख्तर नवाब साहब। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। जी दिल तो यही चाहता है, आगे ऊपर वाला जाने। इजाजत दीजिए सर। ईद मुबारक। हुजूर नवाब साहब, किबला आपसे ईद मिलने में अल्लाह याद आ गया। शुक्र है, अल्लाह याद तो आया तुम्हें। अरे भाई, जाजिया के लिए सभी याद आओ। ये जल्दी हाँ, तो आपने नवाब नाज़ अरा बेगम कौन सी है? अजी आप तशरीफ रखिए, वो भी आगे लीजिए। वो आगे नवाब आ रहा, नाज आ रहा। आपने तो दो दो आने चला दिया। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जी मुझे कौसर कहते हैं और मुझे नाज़ अरा बेगम कहते हैं। आपका एजाज साहब से क्या रिश्ता है? हाँ जी, इत्तेफाक से वो मेरे बड़े भाई जान हैं। शबनम, इन इत्तेफाक बेगम के लिए सेवियां जल्दी ले आओ। इत्तेफाक आ रहा बेगम, क्या ये इत्तेफाकिया नाम रख दिया गया आपका? सूरत तो बड़ी प्यारी है, इत्तेफाक से ही ऐसी सूरत देखने को मिलती है, और फिर नाम भी शबनम, शायद आंखों को देखकर रखा गया है। मालूम होता है शबनम ने भर दिए हैं कटोरे गुलाब के। जी हाँ जी हाँ, सेवैयों में गुलाब भी पड़ा हुआ है। शबनम, अगर इजाजत हो तो एक गुस्ताखी कर लूँ। अजी दो कीजिए, आज ईद का दिन है। नवाब नाज़ अरा बेगम की एक भड़क की गजल सुना दीजिए। अल्लाह, होश में आइए, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पैर पड़ो शबनम, अल्लाह सुना दो। असल में दरअसल मेरी आवाज ठीक नहीं है, मैं गाती नहीं हूँ अच्छा। हाँ, जब ही तो बोलने में मुझे फूल झड़ते हैं और जान तक मुअत्तर हो जाती है। देखो शबनम, मेहमान का दिल तोड़ने की सनद नहीं, आज ईद का दिन है और फकीर को खाली हाथ नहीं लौट जाती। कोई दूसरा घर देखो बाबा, यही दस्तूर है। साहिल में दिले रंजूर है, मैं नहीं कहती कि कुछ दे दो, मगर दस्तूर है। सुना दो ना, सुनाइए ना। अच्छा तो एक शर्त पे गाऊंगी। फरमाइए। तुम्हें पैर में घुंघरू बांध कर नाचना पड़ेगा। चलिए, मुझे मंजूर है। इजाजत, मुझे और बाबूजी को कुछ दोस्तों के यहाँ ईद की मुबारकबाद देने जाना है। बड़े शौक। चलिए तमन्ना साहब, आइए हुजूर, चलिए। महमूद मियां, आपको तमन्ना में खुशी रहे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया।
کیا مرصع غزل پڑھی تھی آپ نے اس روز؟ مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ ذرا نوازی کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بس آپ کے خاندان کا ہی کرم ہے۔ جی میرے خاندان کا؟ مگر آپ تو کسی دوسرے خاندان کے شاگرد ہیں۔ مگر زبان اور غزل صرف آپ کے خاندان سے سیکھی ہے۔ کیا خاندان ہے آپ کا جس کا مثل ہندوستان بھر میں نہیں ہے۔ آداب عرض، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جی جی کچھ نہیں، آپ ذرا شوق فرمائیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ جی جی نوازی آپ لوگوں کی، میں کچھ آ گئی۔
दस्त से छुटकारा मिला था आपको। मेरे को डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भैया। हाँ पापा, मैं अभी बैग लेके आया। घबराइए ना डॉक्टर भैया, अभी आ रहे हैं। अरे जब तक तो मैं चल फसूंगी। खुदा ना करे ऐसी बातें जबान से ना निकाली। ओहो, मरीज को तुम सब घेरे क्यों खड़ी हो? इन्हें हवा चाहिए। तुम सब जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते यहाँ से जाओ प्लीज। डॉक्टर साहब, क्या तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब, मारे डाल रहा है मुझे। घबराइए नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट, एक मिनट की बात है, घबराइए मत। कहीं आप नीम हकीम खतरे जा तो नहीं? क्या मतलब? जी मतलब ये कि कहीं आप अनारी डॉक्टर तो नहीं है ना कि मुझे मार ही डाले। क्या बकवास करती हैं आप, मेरे पास डिग्री है। डिग्री तो पैसे दे के भी मोड़ ली जाती है ना। ये बात है तो दूसरा डॉक्टर बुलवा लीजिए आप। डॉक्टर साहब आप तो बिगड़ गए। देखिए डॉक्टर को मरीज पर कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। मरीज को भी बदतमीजी नहीं करना चाहिए। अच्छा जरा मेरी नब्ज तो देखिए। कोई खास बात तो समझ में नहीं आती। फिर मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? दिल धड़क रहा है? जी हाँ, और आपका हाथ भी तो कांप रहा है। मेरा हाथ कहाँ? आपको नहीं मालूम डॉक्टर साहब, मैं आपकी डिस्पेंसरी में आपको कई बार छिप छिप कर देख गई हूँ। देख गई हो? ओ, जब तो मैं अनाड़ी डॉक्टर हूँ, बिल्कुल अनाड़ी डॉक्टर हूँ। वही तो मैं कह रही थी। बब्बा जानी ने आपको डिस्पेंसरी में आते तो नहीं देखा ना? देखा है? नहीं देखा? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बब्बा जानी। सुनिए, कल बब्बा जानी शिकार पर जा रहे हैं, छिप कर पाई बाग में चले आइएगा, जी भर के बातें कर लीजिएगा। ये 24 घंटे कयामत से कम ना होंगे। अब मैं जाऊं? जाते हुए कहते हो कयामत में मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है जैसे कोई दिन आओ। अल्लाह आप जल्दी से चले जाइए, किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। और मुझे जन्नत में आकर किसी ने जन्नत से जाते देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। एक बार मेरी तरफ मुड़कर देख लीजिए, सिर्फ एक बार, जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा। आपकी अदा जरा अच्छी नहीं लगती। और मुझे आपकी हर अदा पसंद है। खुदा के लिए दुपट्टे के जालिम रंगीन पागल से चांद को एक बार मेरी तरफ घूम कर देख लेने दीजिए। दीदनी है दीदनी, सहरे निगाहें वापसी, किस लिए जाती हुई दुनिया से पर्दा कीजिए। इसका ये मतलब हुआ, ए जाने जा ये भी सही, खुद भी रुस्वा हुई है, मुझको भी रुस्वा कीजिए। देखिए फिर सांस सीने में पलट कर आ गई, मरने वाले को कभी मुड़ कर ना देखा कीजिए। पापा जाने, ओ पापा जाने, पापा जानी, मैं मुझे आप यहाँ? जी वो कौशल की वजह से घबरा के चला आया। कैसी है मेरी बहन? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल आपके घर फिर हाजिर हो रहा हूँ और दिन में एक बार रोज आऊंगा। क्या फरमाया आपने? दवा देने के लिए। अजी महमूद साहब आप तो बिल्कुल फरिश्ते हैं, फरिश्ते। छोड़िए भी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए आइए, चलिए चलिए। गई थी नमाज बख्शवाने, गले पड़ गए रोजे। कौन है भाई? एजाज साहब घर पे हैं। कौन साहब हैं आप? जी मैं हूँ डॉक्टर महमूद, अनारी डॉक्टर। डॉक्टर महमूद, आदाब अर्ज। आदाब अर्ज है डॉक्टर साहब, आपको किसी और ने बुलाया होगा, मेरे घर पे कोई बीमार नहीं है। गालिबन आपको इल्म नहीं कि कल एजाज मियाँ और कौसर आरा बेगम हमारे यहाँ ईद मिलने आए थे। अच्छा अच्छा। दफतन कौसर आरा के सीने में दर्द उठा। ओहो। मैंने वक्ती दवा देकर ठीक कर दिया था। शुक्रिया। लेकिन आप जाने जिस सीने का दर्द बड़ा खतरनाक दर्द होता है, इसका इलाज जम कर करने की जरूरत है। देखिए आप उनसे ना कहिएगा, घबरा जाएंगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं।
जब ही वो आज कॉलेज नहीं गई। जी जी डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। ओह शुक्रिया। कौसर आ रहा, डॉक्टर साहब आए हैं। उफ़ नवाब साहब, मैं तो दवा लाना ही भूल गया। हुजूर मैं आपको एक तकलीफ दूंगा, ये दवा आप किसी से जल्दी से मंगवा लीजिए। ये न जाने इजाज़ कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, मैं खुद ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप जहमत नहीं कीजिए, मैं लेके आता हूँ। शुक्रिया। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके। आप तो सचमुच नाई डॉक्टर हैं, यहाँ आ गए, जाइए यहाँ से। और नहीं तो क्या, मोहब्बत की मंजिल में कतई अनाड़ी हूँ। हाँ मुझे ये आखिर कब तक, आप तो मेरी डिस्पेंसरी में छिप छिप के देख जाती हैं मुझे, आज मैं आ गया तो कौन सी कयामत आ गई। देखिए मेरे कोई दर्द नहीं है, आप जाइए यहाँ से। देखिए हुजूर आप मेरी बात सुनिए तो, ये मेरी विजिट आपके दर्द के सिलसिले में नहीं, मेरे अपने दिल के दर्द के सिलसिले में है। इस वक्त मैं मरीज हूँ, आप डॉक्टर खड़े रहकर बात कीजिए। देखिए डॉक्टर को मरीज पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मरीज को भी डॉक्टर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बताइए क्या तकलीफ है आपको। तकलीफ सीने का दर्द मारे डाल रहा है, ये देखिए देखिए देखिए। कोई खास बात तो समझ में नहीं आती। अच्छा तो फिर मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। दिल धड़क रहा है और आपके हाथ भी तो कांप रहे हैं। नहीं आपसे मिलने से पहले क्या क्या सोचा था, ये कहूंगा ये कहूंगा। आप मिली तो जैसे सब कुछ भूल गया। अब कहते हो यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। क्या कहना था। कुछ नहीं। आप पास जो हैं तो हर चीज कितनी हसीन हो गई है। आपकी नजरों का हुस्न है शायर जो हैं आप। आप बहुत अच्छे शायर हैं। था नहीं बना दिया गया हूं, लेकिन आप मेरी शायरी से कहीं ज्यादा हसीन हैं। देखिए मेरी नजरों की तरह फूल भी आपके कदम चूम रहे हैं। किसी ने
से तू एक साज है छेड़ा नहीं किसी ने जिसे तेरे बदन में छुपी नर्म रागनी की कसम रागनी की कसम यकीन कर मुझे मेरी ही शायरी की कसम शायरी की कसम तुझको दिल बरी की कसम ये कुछ नहीं तेरे होठों की ताजगी की कसम ताजगी की कसम जवाब तो बोलती क्यों नहीं शाम सुन क्या गुंगी हो गई हो की इज्जत का दीवार निकाल रही हमारे मुंह पर शाही पोता चाहती हो नौशिकली रबुल इज्जत की कसम हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे इसे जांच के बच्चे को गोली से उड़ा देंगे हम जाने बकवास बंद करो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता दम हम है तो बैठ जाओ लेकिन हुजूर बैठ जाओ मैं कह रहा हूं
पालने वाले, मैंने तुझे तेरे पहले घर काबे का वास्ता देकर मन्नत मानी थी कि उनकी जान बचा ले। पैदा करने वाले, अपनी इस हकीर बंदी की इल्तिजा कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले खुदावंदा। फिर इसके अलावा मैं सारी जिंदगी तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। 20 कदम पर जाकर मुंह फेर कर गोली चलाएंगे। तुम दोनों में से जो खुश नसीब बच जाएगा उसके साथ नवाब नाज़ आरा बेगम की शादी कर दी जाएगी। एजाज तुमको मंजूर है? मंजूर है नवाब साहब, शौक से चलाइए गोली। अख्तर नवाब तुम्हें भी मंजूर है? चाचा जान, अगर नाज पे कुछ वक्त आ जाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वल्ला जरा सोचिए तो, ये कोई मरने का मौका है? अख्तर नवाब साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मौके की नजाकत महसूस कर रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि तुम बुजदिल हो, मरने से डरते हो? जी नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। तो तैयार हो जाओ। तो चलाइए गोली, मैं आप ही के घराने का हूं। अब मेरे घराने का फोन रंग ला रहा है। शायर इनकलाब, तुम शायद मजाक समझ रहे हो, चाचा जान बचपन से पागल है, खुदा की कसम सचमुच गोली चला देंगे। जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए। वाह वाह, शायर मियां, अब भी भाग लो, कुछ गया नहीं। मर्द आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करते। अमर चाचा जान को ये तो समझा दो कि ये शाही नहीं, गोली मारने के बाद उनको भी फांसी हो जाएगी। ये तो उनके समझने की बात है, परवाना शमा पर गिरने से पहले ये कभी नहीं सोचता कि उसका हश्र क्या होगा। मियां, हम दोनों परवाने अंधे सही, लेकिन उनकी तो दो आंखें हैं। दोनों आंखें बंद कर लो। अमा, तुम तो सचमुच मरने को तैयार हो? एक, दो, कहिए चाचा जान, तीन न कहिएगा, आपको अब्बा मरूम की कसम। क्या है बुज़दिल कही थे? मैं बुज़दिल नहीं चाचा जान, मैं नहीं चाहता कि आप फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाएं और मैं बगैर चाचा का बन के रह जाऊं, इसलिए मैं बाइज्जत विड्रॉ होता हूं। मैं हमेशा से जानता था कि तू बुज़दिल है। मैंने दूर हो जाने दिया आंखों के सामने, बहुत बड़ी कुर्बानी की है। मैं गोली मार दूंगा अगर आप अब तक ठीक। तुम्हें मुबारकबाद देते और अपनी दामादी में कबूल करते। शुक्रिया नवाब साहब, शुक्रिया। सलामत रहो बेटे। शुक्रिया। मैं एजाज बोल रहा हूँ, नाज साहिबा हैं? कौन? एजाज साहब। लीजिए। अजी आप शर्मा क्यों रही हैं? लीजिए ना। लीजिए ना। नाज, मेरी नाज, किसी ने क्या खूब कहा है, नई दुल्हन का हिजाब बस एक रात। अल्लाह ने दो धड़कते हुए दिलों की आवाज सुन ली, उसने मेरी जिंदगी पर रहम खाकर आपको मुझे बख्श दिया। मैंने भी उसकी बारगाह में आपके लिए भीख मांगी थी। मैंने कह दिया कि अगर तू है तो मेरी नाज को मुझे दे दे, और उसने दे दिया। बदनसीब हैं वो जो अल्लाह को नहीं मानते। आपका हासिल हो जाना अल्लाह के होने का कितना बड़ा सबूत है। अब न तरसाइए, वो आवाज सुना दीजिए, वो आवाज जो हमारी मोहब्बत की बिस्मिल्लाह थी। आपको मेरी कसम, वही गजल एक बार फिर गुनगुना दीजिए,
जिसे सुनकर मैं कह उठूं, गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। आज की रात तड़प उठी है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैं इस रात की तरफ से इल्तजा करता हूं, अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूं, एक बार फिर वही आवाज सुना दो जो हमारी मोहब्बत की पहली यादगार है। वही नगमा फिर छेड़ दो, वही गजल फिर गुनगुना दो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरी रूह बेचैन हो रही है। मेरी नास, तुम्हारी आवाज। तुम्हारी आवाज। बता मैं क्या करूं, मैं मर जाना बेहतर समझती हूं, मगर गूंगी बनकर एजाज की नहीं बनना चाहती, कभी नहीं बनना चाहती। अल्लाह अल्लाह, जब इनको मालूम होगा कि मेरी आवाज। मुझे हिम्मत दे खुदाया कि तेरे इस कहर को बर्दाश्त कर सकूं, जीऊं तो उन्हीं की तमन्ना में, मरूं तो उन्हीं का नाम लेकर। आदाब बजा लाता हूं। जीते रहो। आओ आओ बेटे, आओ हमारे पास बैठ। शुक्रिया हुजूर, इस काबिल तो नहीं है हम लोग। कुछ चढ़ावे के जेवर अब्बा जान ने खरीदे हैं और अंदर पसंद करवाने के लिए भेजे हैं। तो लाओ लाओ लाओ, मैं खुद ही दे आऊं। आप तो जहमत फरमाते हैं बेटे। एक बाप के लिए इससे और कौन सा मुबारक दिन हो सकता है। चल उसकी बेटी को तुम्हारे ऐसा बहादुर शौहर मिले। जरा नाजी जीते रहो, ये रहो। बेटी नाज, ये एजाज ने चढ़ावे के जेवर लाए, लो लो पसंद कर लो। ओहो, अब हमसे शर्माना क्या। अरे सोचो तो बेटी, आज तुम्हारी अम्मा होती खुशी से फूली ना समाती। लो देख ये क्या है। मेरे बब्बा जानी, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरी हर जिद पूरी की है, जो मैंने आपसे मांगा आपने दिया। ओहो, बड़ी खुशामद हो रही पापा जाने की, और तारीफें हो रही हैं, ससुराल जाने की तैयारी है। इसलिए आज मैं आपसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ। मुझे अपने बब्बा जाने की मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि वो अपने नाज से इनकार नहीं करेंगे। बब्बा जाने, मुझे बचपन से अक्सर ऐसे दौरे पड़ते थे जिनमें कुछ देर के लिए मेरी कुव्वत गुआई जाती रहती थी। आपसे यूं नहीं कहा कि मैंने इसे कभी अहमियत नहीं दी। उसी वक्त
जब आप बंदूक लेकर गुस्से में बाहर जा रहे थे, मैंने आपके पैर पकड़कर एजाज की सलामती के लिए बहुत कुछ कहना चाहा, मगर नहीं कह सकी। डर का वो जज्बा मुझ पर कुछ ऐसा तारी हुआ कि मेरी आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज बंद हो गई बब्बा जानी, मेरी आवाज जो शायद कभी नहीं खुलेगी। बब्बा जानी, मैं गूंगी होकर एजाज की नहीं बनना चाहती। नाज एजाज के लिए मर चुकी है, मर चुकी है। मेरा गूंगापन, ये बात अगर एजाज को मालूम हो गई तो मुझे अपने बब्बा जाने की कसम, मैं ये नामुराद जिंदगी खत्म कर दूंगी। आप अपनी नाज को जिंदा नहीं देख सकेंगे। क्यों हुजूर, क्या बात है? खैरियत तो है? ये जेवर पसंद आया? मेरा ख्याल है जरूर पसंद आया होंगे। एजाज मियां, मुझे तुम्हारे साथ पूरी पूरी हमदर्दी है। जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे आ पड़ते मरते दम तक जबान पर नहीं लाए जा सकते। बहरहाल शादी के मामले में लड़के और लड़की दोनों की मर्जी अल्लाह की मर्जी है। मेरी लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहती। आदम पर बड़े बड़े वक्त आए और गुजर गए। हुजूर आप ये क्या फरमा रहे हैं? मैं नाज के बगैर जी ना सकूंगा। बहादुरों की इस किस्म के कलमे से नहीं देते। तुम्हारे मामलात हैं, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा के लिए आप समझने की कोशिश फरमाइए। खुदा के लिए खामोश हो जाओ, हमें जो कुछ कहना था कह चुके। महमूद मियां, हम बाहर जा रहे हैं। क्यों नहीं समझती, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मत जाइए। मेरे और आपके दरमियान जो मोहब्बत का तमाशा हो रहा था वो खत्म हो गया। मुझे इसकी बिल्कुल खबर न थी कि ये बात यहां तक बढ़ जाएगी कि मैं आपसे शादी के लिए मजबूर कर दी जाऊंगी। मैं बचपन से ही अख्तर नवाब से मोहब्बत करती हूँ, शादी उन्हीं के साथ करूंगी। अगर आपके दिल में इश्क की जरा सी भी वक्त है तो ये मेरी आखिरी इल्तिजा आप कभी नहीं टालेंगे।
किस्मत ने उस मकाम पर लाकर छोड़ दिया है जहां से ना अब मैं मंजिल की तरफ बढ़ सकता हूं और ना वापस हो सकता हूं। बस अपनी जबान से इतना कह दीजिए कि ये इतनी बड़ी सजा मुझे किस कसूर पर दी जा रही है। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, वो आवाज जिसने मुझे जिंदगी बख्शी। काश वही मेरे मरने का सहारा बन जाए। आपकी खामोशी ये बता रही है कि आप मुझे ये आखिरी सहारा भी नहीं बख्शना चाहते। अगर मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है तो घुट घुट के मर जाऊंगा, जबान से उफ न करूंगा। उफ करके दम बखुद तेरा दीवाना हो गया, दो हर्फ थे कि जिसका ये अफसाना हो गया। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। शायर इंकलाब अजी मियां भाई, वाह अली खान का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो इस शादी को एक मौजा समझ रहा हूँ साहब। फिर भी हम खाने की दावत जरूर देंगे और नाच और गाना जरूर होगा मेरे बच्चे की शादी में। अम्मी जान भाई जान का मुँह मीठा करने के लिए मैंने अपने हाथ से हलवा पूरी बनाया है। कौसर तुम अजीब लड़की हो, मैंने मिठाई के लिए कहा था और तुम हलवा पूरी बना ले। अरे मैं आप नहीं समझती, वो हजारी रोजा हलवा पूरी और इंकलाब जिंदा। क्या बकती हो थे तो खाली डब्बा आने की क्या जरूरत थी। अब मैंने भाईजान का मुंह मीठा कीजिए, बेचारे बहुत थक गए हैं। अब्बा जान ये लीजिए चढ़ावे के जेवर, अगर आपको जहमत ना हो तो ये जेवर लौटा दीजिए। क्यों पसंद नहीं आए? दूसरे आ जाएंगे। अच्छे से अच्छे आ जाएंगे, क्या समझ रखा है हमें उन्होंने। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे इतने अच्छे जेवर बने हैं, वो दे दीजिए चढ़ावे में। आप लोग गलत समझ रहे हैं, जब अपनी किस्मत खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। एजाज़ खुल के बात करो, मेरा दिल धड़कने लगा। अब्बा जान औलादे आदम पर बड़े बड़े वक्त आए और गुजर गए। बहरहाल शादी और ब्याह के मामले में लड़के और लड़की की मर्जी अल्लाह की मर्जी समझी जाती है। नवाब नाज़ अरा बेगम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। भाईजान मैं अब भी जाती हूँ, ना जाना को इनकार की वजह पता नहीं होगी। मेरा ख्याल है ये गलत है, वो आपसे मोहब्बत करती है ना। देखिए जरूर इसमें कोई राज है। कौसर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है? ओ भाईजान मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। तो कौसर तुझे मेरी जान की कसम, तू मां नहीं जाएगी। तो फिर कौन सुधारेगा आपके उलझे हुए मामला? वही सुधारेगा जिस अल्लाह ने मेरे दिल में मोहब्बत पैदा की है और मैंने डर से नहीं मोहब्बत से उसे पहचाना है। अल्लाह अपनी भी एक बंदूक का इंतजाम क्यों लेता है भाईजान? ये राज आज तक किसी की समझ में नहीं आया कौसर। मैं कसम खा चुकी हूँ, नाज़ अरा बेगम से तो पूछ नहीं सकती और भाईजान भी कुछ नहीं बताते।
लेकिन आपसे तो पूछने का हक रखती हूँ। आप ही बताइए ना, आखिर क्यों दो तड़पते हुए दिलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है? कौसर, शायद मुझसे ज्यादा और किसी को सदमा नहीं पहुंचा होगा इस शादी के टूटने का, लेकिन मजबूर हूँ, जबान नहीं खोल सकता। काट डालिए ऐसी जबान को जो मुझसे भी नहीं खुल सकती। मैं अपनी जबान काट डालने को तैयार हूँ, लेकिन फिर मैं भी नाज की तरह गूंगा हो जाऊंगा। ओह, ये मैं क्या भूल गया? क्या नसीबे दुश्मन नाज गूंगी हो गई है? कौसर, तुम्हें उनकी मोहब्बत का वास्ता एजाज से कहना नहीं कि वो गूंगी होकर एजाज के नहीं बनना चाहती। समझी, इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ इसलिए पेश की जा रही है कि भाईजान को गजल सुनने के बाद उनकी आवाज से इश्क हो गया था। लेकिन फिर भी भाईजान नाज से शादी करने जरूर तैयार हो जाएंगे, वो उनके बगैर जी नहीं सकते। और इस खबर के फैल जाने के बाद मेरी गैरतदार बहन जी नहीं सकती, वो जान दे देगी। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बात वो आन पड़ी है कि बनाए ना बने। नवाब साहब, जरा दिमाग पर और जोर दीजिए। डॉक्टर साहब, नाज के बचपन के और वाकयात तो याद नहीं आते, मगर एक वाकया बार बार मेरे दिल को महसूस रहा है। जब नाज छोटी थी तो एक बार मैं गुस्से में पागल होकर उसकी मरहूमा मां पर बेतहाशा चीखा था। अम्मी जान, तुम भी ऐसे चलो दिखा जाओ। मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ अभी कैसे रखा है। मैं कहां से सीखी आपने? वो नवाब साहब के जो आप यहाँ आती है, आपकी सहेलियां जो अपने खानों का फिर आंचल के साथ भाग रखती है, आप कहती है आप ही उठी अपने खान को आंचल से भाग करके, आप शेर के गले में पट्टा नहीं डाल सकती। आप नवाब बाकर अली खान की बीवी है, आपको समझना चाहिए। ये तस्वीर बहाने नहीं चलेंगे, मैं शिकार बन जाऊंगा, चूक जाऊंगा, बड़े आप मर भी जाएगा पता नहीं क्यों। ये चाह रहा हूं रोक लीजिए मुझे, दूसरे रोक रहा हूं। और याद रखिए, अगर आगे इसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ, मैं कोई सुबरा दूंगा, फिर मेरा नाम सुनाएगा। अब बोलती क्यों नहीं है अम्मी जान? अम्मी जान, अम्मी जान। और इस वाक्य के बाद अक्सर कभी कभी उसकी जबान भी बंद हो जाया करती थी। मेडिकल साइंस और दवाएं इस मर्ज में कारआमद साबित न हो सकेंगे नवाब साहब। अगर इसी किस्म का कोई दूसरा शौक कभी भी पहुंच जाएगा तब शायद ये मर्ज दूर हो जाए। यस, यू आर राइट डॉक्टर। वेरी सॉरी नवाब साहब, माफ कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर महमूद, खुदा हाफिज। माफ ना तो जहमत थी, कोई बात नहीं। नवाब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो रब्बुल इज्जत की कसम गोली मार दूंगा।
शौक से फरमाइए चचा जान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं नाज से मोहब्बत करता हूं और नाज मुझसे मोहब्बत करती है। मैं ये सब जानता हूं, तो सुनो, मेरी बेटी गूंगी हो चुकी है, अब शायद जिंदगी भर उसकी आवाज नहीं खुल सकेगी। क्या तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? चुप क्यों हो, जवाब दो। मैं नाज से मोहब्बत करता हूं चाचा जान, उसकी आवाज से नहीं, और जिंदगी भर उससे वैसे ही मोहब्बत करता रहूंगा जैसे शहनशाह जहांगीर ने नूर जहान से मोहब्बत की थी। लेकिन चाचा जान, आप तो जानते हैं कि मुझे डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं, यही 40-50 हजार। मुझे मंजूर है। एक बात पूछूं अख्तर नवाब? फरमाइए। क्या जहांगीर ने भी नूर जहान के बाप से इसी तरह शादी के बाद 50,000 रुपए मांगे थे? मुमकिन है मांगे हों, मगर तारीख में इसका कुछ तस्करा नहीं। दोस्त है, दोस्त है। तो है एक बात और, मैं जरा इस रिश्ते के मुतालिक नाज से एक बार फिर पूछ लू। शौक से पूछिए, मगर चाचा जान अब ये बेकार सी बात है। नाज बेटी, जीती रहो, जीती रहो, बैठ। बेटी, मुझे भी तुम्हारी हालत का वैसे ही अंदाजा है जैसा कि तुमको है। काश मैं अपना दिल तुम्हें दिखा सकता। बेटी, इस दिल में भी उतना ही गम है जितना तुम्हारे दिल में। मैं जानता वो रुका तुमने किसके लिए लिखा था और किसके हाथों में पड़ गया, लेकिन इसमें भी उम्मीद की एक जरा सी किरण देख रहा, एक जरा सी किरण देख रहा। मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी अख्तर नवाब से कर दूं। मुझे गलत समझने की कोशिश न करो बेटी, मुझे गलत समझने की कोशिश न करो। तुम्हें याद है तुमने अपने बाबा जानी से आखिरी चीज मांगी थी, आज तुम्हारे बाबा जानी भी तुमसे एक आखिरी चीज मांग रहे। इनकार नहीं करना, इनकार नहीं करना बेटी, इनकार नहीं करना।
अख्तर नवाब से कह दो तशरीफ ले। जी बहुत खूब। तशरीफ लाइए नवाब साहब। आराम आराम। शायर इनकलाब। तशरीफ रखिए। कहिए कैसे सहमत फरमाई? एजाज मियां, मेरी शादी नवाब बाकर अली खान की साहिबजादी नाज आरा बेगम से हो रही है। जी मेरी शादी नाज आरा बेगम से हो रही है। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। वैसे तो मैं भी अच्छा खासा शायर हूँ, वो भी रंगीन किस्म का। अगर आपकी शादी हो रही होती तो सहरा में पड़ता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि शादी मेरी हो रही है, लिहाजा सहरा पड़ने की जहमत आप गवारा फरमाइए। लेकिन की बात नहीं, लिल्ला ना न कीजिएगा, वरना मेरी होने वाली शरीक हयात का दिल टूट जाएगा। आखिर वो शायरा है ना, और जब तक आप ऐसा शायर सहरा ना पड़े तो वो खुश नहीं हो सकती। बहुत खूब, हाजिर हो जाऊंगा। आप दोनों की खुशी सर आंखों पर, सहरा भी पढ़ूंगा। शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कसम खुदा की तबीयत खुश कर दी आपने। एक चीज याद आ गई, मुलाहिजा हो। वो खून मोहब्बत हो कि हो खून तमन्ना, वो खून मोहब्बत हो कि हो खून तमन्ना, क्या उनकी खुशी के लिए ऐसा ना करेंगे? आदाब। क्या क्या तेरी उल्फत में गवारा ना किया है, क्या क्या तेरी उल्फत में गवारा ना करेंगे। ना पहना जाइए, अल्लाह ने करो तो आपको कुछ हो गया तो। कौसर, शमा का काम जलाना और परवाने का फर्ज जलना है। खुदा की मशीयत यही है कि परवाना महफिल में जाए बगैर रह नहीं सकता। यही परवाने की जिंदगी है और यही परवाने की मौत। मेरा ख्याल है अख्तर नवाज साहब, निकाह के बिस्मिल्लाह की जाए। जरा ठहरिए मौलाना, मुझे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है अख्तर मियां? चाचा जान। लीजिए। याद इश बखैर, वो आ गए। बड़ी ओर पाई है तुमने एजाज मियां, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। आओ। आओ। चचा जान, निकाह की रस्म से पहले शायर इनकलाब सेहरा पढ़ेंगे और अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे। मोहब्बत यानी जो इन्हें मुझसे है। बिस्मिल्लाह एजाज मियां, सेहरा तो आपने बहुत खूबसूरत कहा होगा। मेरी छोटी सी दुनिया में जो कुछ भी मेरे पास बच गया है पेश कर रहा हूं, अगर कबूल फरमा लिया गया
अपने को बहुत खुश नसीब समझूंगा। एजाज साहब आगे। किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसी रात, किसे पेश करूं किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं ये मुरादों सीरात, किसे पेश करूं किसे पेश करूं। सेहरे की तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसी रात, किसे पेश करूं किसे पेश करूं। नजराने हैं ये मेरे शेर मेरे आखरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसी रात, किसे पेश करूं किसे पेश करूं। ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसी रात, किसे पेश करूं किसे पेश करूं। कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है
चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसीं रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसीं रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैं एजाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मेरे अल्लाह मैं चाचा जान कैसा खुश नसीब हूं मैं। भतीजे तुम्हारी बदनसीबी शुरू हो गई, अब वो तुमसे शादी नहीं करेगी। चाचा जान वो खत तो याद होगा आपको, वो खत उसने तुम्हारे लिए नहीं लिखा था, वो एजाज मियां को मनाने के लिए लिखा गया था। मुझे मनाने के लिए? ये क्या फरमा रहे हैं आप बेटे? बंद हो चुकी थी, वो गूंगी होकर तुम्हारी बनना नहीं चाहती, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। वाह साहब वाह, अच्छी कुर्बानी है ये, गूंगी थी तो मेरी थी, आवाज आ गई तो एजाज मियां की, मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, बखुदा खून की नदियां बह जाएगी चाचा जान, मैं कह देता हूँ। अख्तर नवाब, नवाब साहब क्या अख्तर मियां को इनकी तौहीन की कीमत देकर कोई फैसला नहीं हो सकता? जी साहब हो सकता है, 50,000 मेरे वालिद जाने के, 10,000 मेरी तौहीन के, ये हुए 60,000। बाबू जी साहब 60,000 रुपए देके इन शरीफ को मुंह बंद कर दिया जाए बेहतर है। ठहरिए बाबू जी, अख्तर नवाब शायर पैसे के लिए नहीं बिका करते, मैं शायर होकर आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्रिया, शादी आप ही के साथ होगी। नवाब साहब अपनी बंदूक मंगवाइए। पापा जानी ये रही बंदूक। मुझे बंदूक बंदूक नहीं चाहिए। नवाब साहब हम दोनों सामने जाकर खड़े होते हैं, आप उसी तरह मुंह फेर कर गोली चलाइएगा, हम दोनों में से जो खुशनसीब बच जाए शादी उसी के साथ कर दीजिएगा। शेरों को बेवक्त नहीं ललकारा करते एजाज मियां, आज मेरे कदम मैदान से नहीं हटेंगे। तशरीफ लाइए। हां हां मियां, अजीब शय हो तुम, नाज तुम्हें मिल रही है और मुझे पैसे, फिर ये मरने का शौक क्यों चरा रहा है आपको? फिर से गोली चलाएंगे। शौक से चलाइए नवाब साहब। मैं पहले कह चुका हूं कि नवाब साहब बचपन से पागल हैं, कसम खुदा की सचमुच गोली चला देंगे। जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों? एक दो ठहरिए चाचा जान, तीन ना कहिएगा, आखिर इतनी जल्दी क्या है? बुजदिल कहेगा? बुजदिल नहीं चाचा जान, घर का मामला है, चलिए मैं विड्रॉ होता हूं, लेकिन मेरी रकम तो मिलनी चाहिए, तौहीन की नहीं वलायत जाने के तो पैसे मिलने चाहिए। नवाब साहब आप गोली क्यों नहीं चलाते? मैं कहता हूं आप गोली चलाइए, ये शायर पैसे के लिए नहीं बिक सकता, हरगिज नहीं बिक सकता। एक दो सर, ये चाचा जान आपको अब्बा जान मरहूम की कसम, चाचा जान छोड़े मैंने पैसे छोड़े, जान है तो जहान।
शाबाश तेरे बहादुर बेटे। पापा जानी, पापा जानी, इसी सिलसिले में इस बहादुर बेटे को भी शादी की इजाजत दे दीजिए। पगले में किससे शादी करेगा? पापा जानी, डॉक्टर महमूद मेरी छोटी बहन कौसर से शादी करना चाहते हैं। ओ पापा जानी, आपने देखा नाम कितना पाकीजा है, कौसर। नर्म हो